Vamos. के मुल्क में देश में बैठे हैं आप, आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छे खासे पैसों में होता है कंपेयर करें अगर आप दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड से, ठीक है, बहुत ठीक ठाक तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आपकी दुकान रांची तक ही खुली रहे ना तो आपको कमी नहीं होगी आपके घर में इंडिया में। अब इसमें पैसों की तो बारिश हुई है खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन उन खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने सजा भी दे दी है जो खिलाड़ी डोमेस्टिक को और टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं दे रही थी। उनको बीसीसीआई ने बोला कि हम भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। हसन साहब, ये तो अब नहीं है कि अगर साइज कम है तो हम क्रिकेट ना खेलें, क्रिकेट तो खेलना ही है और जारी बात है हमारे ग्राउंड पे मत खेलो, मत खेलो, मत खेलो। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर इंडिया क्रिकेट में कुछ होता है तो पाकिस्तान की मीडिया में पूरा भूचाल सा आ जाता है, और अभी भी लेटेस्ट ही ऐसा ही हुआ है जहां पर कि बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट 2023 और 2024 में प्लेयरों की लिस्ट जारी कर दी है, जहां पर कि प्लेयरों को चार कैटेगरी में रखा गया है जो कि A+, A, B और C, जिसमें भारत के इन खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के बेस पर इन्हें चारों ग्रुप में डिवाइड कर दिया है और उन्हें उस हिसाब से सैलरी मिलेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नामों का ऐलान कर दिया है। A+ कैटेगरी के अंदर आप 7 करोड़ इंडियन रुपीस लेते हैं, 7 करोड़ इंडियन रुपीस। पाकिस्तान में पर मंथ जो मिलती है वो 65 लाख है और कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 करोड़ 80 लाख बनती है, मगर A+ में रखे गए खिलाड़ियों को टोटल 7 करोड़ रुपए पे आउट मिलेंगे और वहीं A+ के कैटेगरी के खिलाड़ियों को टोटल 5 करोड़ रुपए सालाना मिलेंगे। इसके बाद B कैटेगरी में रखे गए खिलाड़ियों को टोटल 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। घूम रहे हैं जो सिस्टम चल रहा है ना फॉर्मर क्रिकेटर्स का,
ये जो नहीं करवा रहे ये क्या कर रहे। अबे जिनकी क्रिकेट आज नहीं कल मुक जानी है, ये उन्हीं चार पांच नामों की माला जपे जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं। अबे शाहीन कप्तान नहीं होगा तो बाबर होगा, बाबर नहीं होगा तो रिजवान होगा। अबे तीनों ही उसी डिफेंसिव घंटे के माइंडसेट के कप्तान है। और बोलते रोहित शर्मा ने शायद बीसीसीआई को, अरे सीधा जय शाह और रोहित शर्मा मिले। मैं बता रहा हूँ राहुल द्रविड़ से जय शाह मिले हैं, रोहित शर्मा भी मिले हैं, ये तीनों बैठे। और बात ये हुई है कि यार ये दूसरी एसोसिएशंस बहुत ज्यादा कहती हैं कि आप हमारा परफॉर्मर खिलाने में 8-8 साल भी लगा देते हैं, 6-6 साल भी लगा देते हैं। ये मुंबई इंडियंस से जो खेल के 3 मैच में रन बना दे, आप ना इसकी रांची देखते हैं। हो सकता है वो रांची में 45 से रन करता हो तो दूसरी स्टेट का लड़का 50 से करता हो, आप मुंबई का लड़का उठा के खिला देते हैं। ऐसा रोहित शर्मा की अकल में भी कब आया, जब रोहित शर्मा को एक ढलता हुआ सूरज समझते हुए मुंबई इंडियंस ने कागज समझा कि अबे पांड्या के नाम पर इसको गिरा देते हैं। लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनको गिराना भाईजान कोई आसान बात नहीं है। अपने नोट बना रहे थे इनको, ये मैच भी खेल रहे हैं, ये अगर टीम स्क्वाड में नहीं है मतलब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो है ना यार। ये बजाइए कि रांची में जाकर ये इधर उधर जाके दूसरे खासतौर पर रांची निपटाए, ये जाके एंड इंडोर्समेंट ये वो सारे अपने चूरन चट्टियां निपटा रहे थे, ये खेल तो रहे नहीं थे ना यार, ये चौधरी बने हुए थे। पांड्या को भी एक मैसेज दिया गया कि बेटा देखो रोहित शर्मा अभी क्रिकेट में जिंदा है तो हम तुम उसके नाई हो। न्यूज दे दूं मैं, असल खबर दे दूं, अरे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के हैं, सही है जनाब नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने जैसा को हिदायत कर दी है कि रोहित और विराट की इज्जत में अब कमी नहीं आनी चाहिए। ये पागल समझ रहे हो तुम कि वो फाइनल में दोनों का हाथ पकड़कर खड़े हुए थे। अरे उनको देखे वो मुल्क चलाते हैं, यकीनन वो क्रिकेट के आदमी नहीं है, पर जो आदमी मुल्क चला रहा है उसे चार लोगों ने जब ये बताया होगा कि सर क्या रॉजर बिनी ने ये नहीं बताया होगा, वो क्या छोटी सोच, वो लक्ष्मण वगैरह थोड़ी है कि वो बोलेंगे विराट का, उन्हें बताया गया होगा कि सर ये जो दो लड़के हैं ना विराट तो विराट है, ये रोहित भी ऐसे मिल नहीं रहे भारत में अब ढूंढने से भी, हम 3 साल से ढूंढ ढूंढ के थक गए। उन्होंने कहा होगा इनकी इज्जत में अगर अब कमी आई तो सारा बोर्ड तब्दील कर दूंगा, ये है रियल कहानी। उनको सिर्फ जैसा ने कहा होगा सर आपको तो बड़ा स्टेज लगाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि हमारे हैं, ये जहाँ बल्ला लेके खड़े हो जाए वहाँ आपके जितने जितने आपके पास होते हैं उसके 4 गुना लोग इनको देखने के लिए खड़े हो जाए। बीसीसीआई ने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जो है वो इंडिया की टीम की अनाउंस की है, जिसमें टोटल जो है 30 खिलाड़ियों का नाम आया है। अब इसमें पैसों की तो बारिश हुई है खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन उन खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने सजा भी दे दी है जो खिलाड़ी डोमेस्टिक को और टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं दे रही थी, उनको बीसीसीआई ने बोला कि हम भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो ए प्लस ग्रेड है, उन खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपीज मिलते हैं भाई, और पाकिस्तानी ये डबल ट्रिपल बन जाता है। और जो ए ग्रेड है उसमें 5 करोड़ मिलते हैं, जो बी ग्रेड है भाई उसमें 3 करोड़ रुपीज सालाना मिलते हैं, ये सालाना है, और साथ में सी ग्रेड को 1 करोड़ रुपीज सालाना मिलते हैं। कि बाकी के जो बोर्ड्स हैं उनको भी ऐसा ही जो है वो इकदाम करना चाहिए, खास करके पीसीबी को भी। बहरहाल बीसीसीआई ने ये काम करके एक नई एग्जांपल जो है बीसीसीआई ने जो है वो सेट कर दिया, जो कि देख के अच्छा लगा कि यार कोई ऐसा बोर्ड तो है जो थोड़ा सा दिलेर है, जिसके फैसले टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए बहुत काम। वैसे दोस्तों इस सेंट्रल कॉन्टेक्ट लिस्ट में बीसीसीआई ने बहुत सारे यंग खिलाड़ियों को शामिल भी किया है, और कुछ यंग खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने इस सेंट्रल कॉन्टेक्ट लिस्ट से बाहर भी कर दिया है, जिसमें कि सबसे ज्यादा बात हो रही है ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर रखने की। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से पहले ऐसी खबरें मिल गई थी कि बीसीसीआई ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर सकती है, और इसीलिए इन दोनों क्रिकेटरों के फैंस भी जो है वो काफी ज्यादा निराश भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो इधर बिजली चोर हैं, क्या मतलब एवं घर बैठे चौधरी, मुझे तो खुदा की कसम खिन आती है जब मैं लोगों को इतना एक्साइटेड देखता हूँ क्रिकेट मैच में। अरे ओ कहीं हया करो, लोग भूखे मर रहे हैं, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, व्हाट नॉनसेंस। क्या आपका ना साइज मिलता है उसके साथ, ना आपके सिस्टम्स उसका मुकाबला।
हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सके जिसपे आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है, तो ये भी वजह, और उन्होंने हमें जानबूझ के अलहदा करने की, आइसोलेट करने की हर लम्हे कोशिश की है। और अगर हम क्रिकेट में भी आइसोलेट हो जाते तो शायद पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, हर तरह से शायद इतना अच्छा ना होता।